नक्सली संगठन PLFI के महतो गुट के नाम पर बड़का गांव के रेडारी क्षेत्र में कंपनियों से लेवी वसूलने के काम में लगे तीन अपराधियों जब्बार अंसारी, पवन कुमार दास एवं दशरथ मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से रंगदारी मांगे जाने वाले मोबाइल व सिम को भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेश ने बताया कि तीनों अपराधी महीनों से सक्रिय थे, हालांकि तीनों कुछ महीने पूर्व जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद तीनों ने गिरोह बनाकर अपराध को अंजाम देने का काम शुरू किया। इसमें से एक पवन कुमार दास पर शिक्षक पर गोली चलाने का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि तीनों अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी, जिसकी खोजबीन जारी है। बड़का गांव केरेडारी वाला इलाका में जितनों इंडस्ट्रीज एंड व्यापारियों व्यवसायियों हैं, तो उन लोगों से रंगदारी मांगने वाला दूसरा गिरोह को हम लोग पर्दाफाश किए हैं। तो इसमें कुछ दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी, महतो जी के नाम पे PLFI के रूप में कोई जो है अपने आप को पोस्ट करते हुए सबको थ्रेट करके एक्सटॉर्शन कर रहा था, जिस पर हम लोग वर्क किए। तो हम लोग तीन आदमी, मोहम्मद सब्बार अंसारी, पवन कुमार दास और दशरथ मुंडा, तीन लोगों को विभिन्न जगह से हम लोग गिरफ्तार किए और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन अन्य सामग्री भी हम लोग उसमें रिकवर कर पाए। और उनसे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये लोग टोटल सात लोग जो है पहले जेल गए हुए थे और जेल से जो है ये लोग अपना गैंग बना दिए और रिसेंटली जब जैसे बेल मिला है बाहर आके फिर क्राइम की दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए इस टाइप का हरकत कर रहे थे। और हजारीबाग पुलिस पहले ही इंटरसेप्ट करते हुए उनको उस क्राइम को हम लोग रोक पाए हैं। इसमें एक और उल्लेखनीय बात है कि हजारीबाग पुलिस कोविड वॉरियर के रूप में कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को, लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी लगातार काम कर रही है और साथ साथ जो है इस टाइप का क्राइम, संवेदनशील क्राइम, क्रिमिनल्स के बारे में जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं तो उस पर भी दिन रात लग के हम लोग